बाल वाकी का मुकदमा 16 सीटीडी अहलकारों पर दर्ज, 10 अहलकार वर्दी और 6 बगैर वर्दी के थे। एफआईआर का मतन, साहिवाल के सुपर हाईवे से लवाहिकीन सरकारी एम्बुलेंसों में चारों लाशें ले गए। एहतजाज खत्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल। लाहौर में भी मुजाहरीन ने धरना खत्म कर दिया। सानहा साहिवाल की लाहौर में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में जिशान की तरफ से मुजाहमत का जिक्र नहीं। एफआईआर के मुताबिक जब्बार अब्दुल रहमान दाइश के कारिंदे थे। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने सीटीडी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज मुनीबा और उमेर इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल। एमएस डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन का कहना है कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लड़के की टांग पर गोली लगने से जख्म आया, बच्ची के दाएं हाथ में शीशा लगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुनीबा और उमेर की हड्डी नहीं टूटी। बच्चे जो है अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर हैं और हमने बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उस इंश्योर की है और इंशाल्लाह बच्चे जल्द सेहतयाब होकर अपने घर वापस चले। साहिवाल वाकये पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतालिका एजेंसियों के आला हुक्काम शरीक। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गुजरांवाला में मारे जाने वाले दो मुबैना दहशतगर्दों के वाकये की एफआईआर थाना सीटीडी में दर्ज। काशिफ उर्फ काशी और अब्दुल रहमान रेड बुक के मुल्जिम थे। साहिवाल वाकये में जान बहक होने वाले जिशान के साथी थे। मुलजिमान की गाड़ी को रोका तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने गाड़ी को धमाके से उड़ा लिया। एफआईआर का मतन। वजीर आजम का साहिवाल वाकये से मुतालिक ट्वीट, कहते हैं बच्चों की तमाम जिम्मेदारी रियासत उठाएगी। कानून के सामने सब जवाब दे हैं। परेशान हूँ कितनी बेदर्दी से बच्चों के सामने वालिदैन को भून डाला गया। जैसे ही जेआईटी रिपोर्ट आएगी इस पर अम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साहिवाल में शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया। नए पाकिस्तान में शहरी अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर न निकले। सानहा, गुड गवर्नेंस के झूठे दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। नए पाकिस्तान के नाम पर जंगल का कानून लागू कर दिया गया। हुकूमत की बेहसी नजर आई इस वाके पे। खुद इमरान को आके कौम से माफी मांगनी चाहिए। मुल्क में एक अच्छी जमहूरियत आ गई है और अच्छे बड़े ताकतवर लोग आ गए हैं, तो फिर इस अदालतों की देने की क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास निजाम मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने साहिवाल वाकये को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत की बेहिसी सामने आ गई। वजीर आजम आवाम से माफी मांगे। आला अदालतों के होते हुए फौजी अदालतों की जरूरत नहीं। ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, साहिवाल का वाकया। वाकये पे जिस तरह कौम ने रिएक्ट किया है, मैं सारी कौम को सलाम पेश करता हूँ। और आप यकीन रखें जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो रिपोर्ट जीआईटी की 3 दिन में आ रही है। इमरान खान निशाने इबरत बना देगा उन लोगों को जिन्होंने इस वाकये में हिस्सा लिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि साहिवाल का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम के रद्दे अमल को सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना देंगे। वजीर आजम बहुत सी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब की अवलीन तरजीह मेगा करप्शन केसेस को निपटाना है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द की तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। एक साल में नैब ने 440 करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी दी। 503 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। इत्तेहादी जमात काफले के तहफुजात दूर ना कर सकी। मसनूई काफ का फैसला कुन इजलास कल होगा। चौधरी शुजात हुसैन सदारत करेंगे। इजलास के बाद काफ लीग अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगी।
नौशहरों फिरोज में मोरू के करीब डीजल से भरा टैंकर उलट गया। टैंकर में 25,000 लीटर मौजूद। पुलिस रेस्क्यू करने के बजाय अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाने में मसरूफ रही। कराची के इलाके एहसन आबाद से मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुल्जिम ने टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और हड़तालों के दौरान जलाओ घिराव का एतराफ किया। एसएसपी मलीर का कहना है कि मुल्जिम कई सियासी और मजहबी तंजीमों के कारकुनान की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। कलास, कर्दू, चलास, ज़ियारत, दीर समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी। हवेलियों में लैंडस्लाइडिंग से 30 गांवों को जाने वाली शाहरा बंद। मलबे तले 3 गाड़ियां दब गईं। दालबंदीन, चाखी में यालाबारी, नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, पेशावर और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची और लाहौर का मतलब ही अबर आलू। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अली आरफ। और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा। सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएंगे सानिहा साहिवाल पर सीटीडी की हटदर्मी बरकरार है। सीटीडी शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर बजिद है। साहिवाल वाकये पर सीटीडी का एक और वजाहती बयान सामने आ गया। मरने वालों में शामिल जिशान कलदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था। जिशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। सीटीडी की जानिब से वजाहत दी गई है कि जिस एहलकार की गलती साबित हुई उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आपको बताते चलें कि सानिहा साहिवाल पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अब भी अपनी स्टेटमेंट पर बरकरार है। सीटीडी शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर बजिद है। साहिवाल वाकये पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक और वजाहती बयान मंजरेआम पर आ चुका है और इस बयान के मुताबिक मरने वालों में शामिल जीशान कलदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था, यह मौकिफ अपनाया गया है। जबकि जीशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से वजाहत दी गई है कि जिस एहलकार की गलती साबित हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पहले वाले बयान से अब वाला बयान मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन वजाहतें अब भी पेश की जा रही हैं। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं, साहिवाल वाकये की FIR थाना यूसुफ वाला में दर्ज कर ली गई। FIR 16 नामालूम अहलकारों के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि 24 घंटे गुजर चुके। पुलिस की हिरासत में मुलजिम अहलकार अभी नामालूम। FIR दर्ज होने पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया है, जबकि लाशों को लाहौर पहुंचाया जा रहा है। नमाज जनाजा के बाद तदफीन के लिए बूरे वाला ले जाया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अहम पेशरफ्त हुई है, साहिवाल वाकये की FIR थाना यूसुफ वाला में दर्ज कर ली गई है। जबकि साहिवाल वाकये का पहला मुकदमा सीटीडी थाने लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में जिशान की तरफ से भी किसी मुजाहमत का जिक्र नहीं किया गया। FIR के मुताबिक जब्बार अब्दुलरहमान दाइश के कारिंदे थे। इतला पर गाड़ी को साहिवाल के करीब रोकने की कोशिश की गई तो मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने सीटीडी की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी टीम ने दहशतगर्दों को काबू करने की कोशिश की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस हवाले से पहली जो वारदात है, पहला जो मुकदमा है, पहली दरख्वास्त, वो FIR जिशान की तरफ से भी किसी मुजाहमत का जिक्र नहीं किया गया इसमें। जबकि FIR के मुताबिक जब्बार अब्दुलरहमान दाइश के कारिंदे थे। इतला पर गाड़ी को साहिवाल के करीब रोकने की कोशिश की गई। जबकि दूसरी जानब गुजरांवाला में भी सीटीडी की कार्रवाई देखने में आई। मारे गए दोनों दहशतगर्दों को जिशान का साथी करार दे दिया गया। जराए के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सानिहा साहिवाल में मारे गए जिशान के घर रिहाइश पजीर थे। जिशान की मौत का सुनते ही फरार हो गए। दहशतगर्दों की पहन रखी थी। खलील की फैमिली को जिशान के बारे कुछ इल्म नहीं था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुजरांवाला में भी सीटीडी की कार्रवाई देखने में आई। मारे गए दोनों दहशतगर्दों को जिशान का साथी करार दे दिया गया। जबकि जराए के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सानिहा साहिवाल में मारे गए जिशान के घर रिहायश पजीर थे।
गुजरावाला में सीटीडी की कार्रवाई में गुज़िश्ता रात मारे जाने वाले दो मुबैना दहशतगर्दों के वाके की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर थाना सीटीडी गुजरावाला